अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों से जो तनवीर से देखिएगा परपुर सलाम बोलो। आज हम आए हुए दोबारा नर्सरी में और इनसे आज इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि खान साहब क्या बताते हैं। तो ये देखिए लोकेशन मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये इस तरफ जो है जौहर चौरंगी आएगी और आगे इधर FBR का ऑफिस भी इधर, और इस तरफ जो है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल बैकरी है। तो ये लोकेशन है इसकी यहाँ की। और इस तरफ देखें कोने पे मस्जिद भी बनी हुई है। ये देखें सफारी ब्लूवर्ड का ये जो है फ्लैट है कोने पे, और ये मस्जिद है। और कम करो। ये वाल जो है इसको बंद नहीं है, इसको खुला रखो। आप तो नहीं खा जाए, इसमें नहीं खा रहे कल का। तो अस्सलाम वालेकुम हाँ साहब, कैसे हैं? सलाम अल्लाह का करम है, सब खैरियत। आज क्या बता रहे हैं आप? आज ये फ्लोरेडन कांगो के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये हमारे पास दो फैमिली है, एक ये वाला है रेड जो है लीफ वाला है ये। अच्छा, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पौधा बनता है और घना पौधा बनता है। इंडोर प्लांट है ये भी। सही। क्या नाम क्या इसका? कांगो जी। अच्छा, तो ये इंडोर है या आउटडोर है? इंडोर प्लांट है ये। इंडोर प्लांट है, ऑफिस में रख सकते हैं आप अपना। अच्छा, तो इस तरह का ये। और ये मतलब जो है हर मौसम में चलता है? जी परमानेंट पौधा है। तो इसमें जो है इसके बारे में बताएं कुछ आप। ये वो है अपना इंडोर है और इसको आप जो है डायरेक्ट रूम में नहीं रख सकते, डायरेक्ट में ख़राब हो जाएगा। अच्छा, शुरू में जो इसके रेड लीफ आते हैं क्या है ये देखें? ये इसके शुरू में जो है रेड ही निकलते हैं, स्टेम भी रेड है, लेकिन अच्छा। बाद में थोड़ा थोड़ा कलर कम हो जाएगा। एक ये भी है, एक इसका और भी हमारे पास एक रखा हुआ है। अच्छा, वो ग्रीन में, वो भी ऐसे ही है ग्रीन में। थोड़ा बड़े पॉट में आप लगाएंगे तो एक अच्छा पौधा बन जाएगा। अच्छा, छोटा पॉट में इतना मज़ा नहीं आता इसका, क्योंकि इसके स्टेम भी बड़ी होती है, जड़े भी अच्छे खासे बड़े होते हैं। और फिर इसको प्रोपेगेट कैसे करते हैं? इसको प्रोपेगेट तो ये है कि इसको यहाँ से अगर आप काट देंगे ना इस जगह से, जी यहाँ से काट के स्टेम छोड़ देंगे ना, अच्छा फिर इसमें बेबीज आएंगे, वरना ये बहुत कम देते हैं बच्चे। अच्छा, वरना सिंगल ही रहेगा। यहाँ से आप काट के ना ये वाला जो है इसकी ब्रांच है इसको अलग करके लगाएं। सही। और जो नीचे का सब बच जाएगा ना उसमें तो निकलेंगे बेबीज। इसमें जो है बेबीज आएंगे छोटे छोटे। अच्छा, वो अच्छे भी लगते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं लोग। छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह किसी दिन इसमें भी बना लेंगे। तो ये मतलब बारिश वगैरह में इससे तो कुछ नहीं, जो है हम बाहर रखें इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं? बारिश में बाहर कहीं रखते कोई, और सनलाइट में अगर खराब हो जाएगा। ये इंडोर प्लांट है। अच्छा, एक ये दूसरा है, ये वाला भी दिखा देते। ये सेम वही चीज है लेकिन इसकी स्टेम जो है येलो कलर की है। सही, ये देखिए वो रेड में था और ये येलो में। जी सही, ये येलो कलर की है। ये भी आप देखें तो इसकी भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी पौधा है माशाल्लाह। पत्ते भी इसके बड़े हैं कुछ उससे। ये भी इंडोर ही है? हाँ, ये भी इंडोर। सही है। तो इसमें जो है अपना इंडोर में तो पानी हफ्ते में कितने दिन है? इंडोर में पानी तकरीबन 2-3 दिन बाद आप देंगे। दो तीन दिन बाद इस तरह ये पानी। फर्टिलाइजर वगैरह नॉर्मल जो खाद है वही डलती है जैसे हमने इसमें डाला है, कंपोस्ट। अच्छा, वगैरह जो है ऑर्गेनिक। अच्छा, कंपोस्ट है। अच्छा, वो डाला है इसमें। और इस पर कुछ जो है कीड़ों का अटैक वगैरह तो नहीं होता कुछ? बीमारी तो खैर हर पौधों में लगती है, स्प्रे आपको करना चाहिए। स्प्रे करना पड़ेगा। लीफ पे ज़्यादातर अटैक करते हैं पौधे। अच्छा, लीफ अंदर से डैमेज करते हैं, लीफ के अंदर जाता है वो। अच्छा अच्छा, अभी तो सही है, सही बैठा अभी तो अच्छा है। हाँ, साइड है पौधा। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।